असलम मेरा नाम डॉक्टर सैल महमूद है मेरा तहलक चिनाई यूनिवर्सिटी फॉर वीमेन कराची से और मैं मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट से गुज्तर तेरह साल से वापस हूँ मेरा आइडिया रैम रथ कंस्ट्रक्शन का है इसमें ट्रडिशनल आर सी सी कंस्ट्रक्शन के मुतबाद के तौर पर रैम डत को इस्तेमाल करने की, की एक तजवीज़ दी गई है चूँकि हमारे पास आर सी सी कंस्ट्रक्शन का रॉ मटीरियल बहुत महंगा हो चुका है और हमारा मुतस् तबका उससे उसे वो आसानी से उसे खरीद नहीं सकता इसलिए इसलिए एक बेहतरीन तरीका अल्टरनेट के तौर पे हमारे पास रैम डथ कंस्ट्रक्शन है आइए मैं आपको इस तरीक़ार के बारे में हल्की सी वजात करता हूँ ये इसका पहला प्रोसेस है इसके अंदर हम हम एक फॉम वर्क लगाते हैं फॉमव वर्क के अंदर हम मट्टी और दीगर एडिटर्स डालते हैं और उन्हें फिर हम रैम करते हैं रैम करने के बाद इसकी सतह तकरीबन वन थर्ड या वन फोर्थ तक पहुंच जाती है जब तो फिर हम इसी के ऊपर एक और लेयर देते हैं यूँ लेयर बाय लेयर हम इन्हें रैम करते रहते हैं और उसके बाद हम अपना फॉर्म वर्क रिमूव कर देते हैं हमें एक दीवार हासिल हो जाती है जो कि दीवार जिसमें न सरिया इस्तेमाल हुआ ना, है ना न ना सीमेंट इस्तेमाल हुआ है और ना ही इसके अंदर ईंटें या ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए हैं तो ये इस तरह से एक बहुत काबिल आ, कम लागत का तरीक़ाकार है आ, हम इस जब एक मरतबा ये फॉर्म वर्क हम खोल लेते हैं तो एक जब हमारी दीवार मुकम्मल हो जाती है तो हम दीवार के ऊपर दोबारा से इसी फॉर्म वर्क को रखकर हम ऊपर से उसमें मिट्टी डाल के दोबारा से ये वाला हम कहते हैं आ, ये चूँकिशन हैं एक अमली तौर पर जो एक हकीकी वर्क है वो कुछ इस तरह से होता है और अब आजकल बहुत बड़े बड़े फॉर्म वर्क बनाए जा रहे हैं जो कुछ इस तरह के हम ऐसे ही वर्क डेवलप करने की का की, इरादा रखते हैं इसके बाद ये तरीक़ाकार माजी में बहुत इस्तेमाल होता रहा है। ये हम इसके पहले पहले इस्तेमाल को नंदा नहीं बल्कि चीन में पाँच हज़ार पाँच सौ साल कबल मसी पाँच हज़ार पाँच सौ साल कबल इसे इस्तेमाल किया गया और इसका सबसे बड़ा शाहकार दीवार चीन है दीवार चीन के बहुत से हिस्से जो हैं वो इसी तरीक़ेकार से बनाए गए हैं अगर जहाँ पे दीवार चीन एक्सपोज हुई है और उसकी उसका एक्सटर्नल एक्सपोज हुआ है वहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो रैमड तरीके से बनी हुई थी इसके अलावा चीन के अंदर एक ट्रेडिशनल हाउसिंग कम्प्लेक्स होते हैं जिन्हें हम हाका कम्प्लैक्स कहते हैं वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं इसके अलावा मुसलमानों जैसे स्पेन में जो अलहमरा के महल्लात बनाए थे वो अलहमरा के महल्लात भी इसी टेक्नोलॉजी से बनाए गए थे और ये हज़ारों हज़ारों साल से खड़े हैं जदीद आ, दौर में इसे ज़रा मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है छोटे मकाना के लिए भी इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है ये जो आप स्क्रीन पर अगर मंज़र देख रहे हैं तो ये मंज़र एक सहराई इलाके में बनाई गई घर का है जो सऊदी अरब में कहीं पर वाक़ है ये मंज़र कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया लाइब्रेरी का है और ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे अपने पास मंजर में ब्लेंड हो गया ये मंज़र ये भी रैम वॉल्स हैं जो कि एक कंस्ट्रक्शन कॉलेज के स्टूडेंट्स ने अमेरिका में बनाई इसमें हम ये बहुत इकोनॉमिकल है इसमें हम नेचुरल रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं नेचुरल चीज़ों को हम मिट्टी को इस्तेमाल करते हैं हम इसके अलावा हम इस्थैटिक्स इसका बहुत ज़्यादा इसकी इस्थैटिक कंस्टिट्यूशन बहुत खूबसूरत है क्योंकि ये ऐसी ह्यूज आती हैं ऐसे कलर्स आते हैं कि ये उसमें शामिल हो जाता है उस अपने अपने लैंडस्केप का हिस्सा बन जाते हैं ऐसे जैसे पत्थरों के अंदर काट के बनाए गए इसके अंदर स्टाइल एंड डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर ये चूँकि बिल्डिंग्स के वॉल्स चूँकि उनका 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 थर्मल मास बहुत ज़्यादा होता है इस वजह से ये साउंड प्रूफ है अंदर आवाज़ अगर एक तरफ आप कील रहे दूसरी तरफ आवाज़ नहीं जाएगी ये बहुत फायर प्रूफ हैं ये स्ट्रक्चर उससे ज़्यादा फायर प्रूफ है जितने आर सी का स्ट्रक्चर होते हैं अगर आर का स्ट्रक्चर ढाई घंटे तक जलता रहे तो उसके बाद उस वो शिकस्त रिक्त का शिकार हो जाता है जबकि ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन छः घंटे तक जलने के बाद उसी हालत को पहुँचते तो ये तकरीबन दुगने फायर प्रूफ हैं आर स्ट्रक्चर से इसके अलावा ये होम्स एनर्जी एफिशेंट है अगर हीट इन्हें यह इनके बाहर का टेम्परेचर अंदर के टम्परेचर पे आसानी से असरानाज़ नहीं हो सकता क्योंकि उनका थर्मल मास बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा एनर्जी वहीं पे अब्ज़ॉर्ब हो जाती है और अंदर की एनर्जी टेम्परेचर बाहर के टम्परेचर से मुतासर नहीं होता इस वजह से हमारा बिजली का बिल कम आता है हमारे ए का खर्च बहुत कम हो जाता है ये दीवारें हाइग्रोस्कोपिक हैं हाइग्रोस्कोपिक से मराध ये है कि इसमें इसमें, इसमें इसकी जो Uh, इसके अंदर जो ह्यूमिडिटी uh, है वो बरकरार रहती है अंदर और बाहर की ह्यूमिडिटी चूंकि ये दीवारें नमी को चूस लेती हैं अंदर के और इस टे इस नमी को बाहर के बाहर की नमी के बराबर कर देती हैं इस वजह से ये बहुत अहम है क्योंकि कराची जैसे शहर में जहाँ पे हमारे पास ह्यूमिडिटी की वजह से सर्टेन प्रॉब्लम्स होती हैं ह्यूमिडिटी ट्रैप हो जाती है घरों के अंदर और उसकी वजह से अंदर का टम्परेचर बाहर के टम्परेचर से बाजूत बढ़ जाता है क्योंकि आ, 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 अंदर ज़्यादा महसूस होता है टेम्परीचर ह्यूमिडिटी की वजह से लिहाजा ये दीवारें ह्यूमिडिटी को बरकरार रखने की वजह से ज़्यादा वह हैं ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है अगर हम सीमेंट का हिसाब रखें तो सीमेंट के एक टन प्रोड्यूस करने के लिए तकरीबन तो एक टन कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है ये फैक्ट्री और आ, उसकी ट्रांसपोर्टेशन पर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जबकि हमारे रैमड अर्थ टेक्नोलॉजी में कोई भी एम्बॉडीड एम्बोडीड एनर्जी वेस्ट मौजूद नहीं है कोई एनर्जी उसके अंदर ऐसी शामिल ही नहीं है जिसकी वजह से उसके अंदर आ, कोई वेस्ट पैदा हुआ तो ये इस वजह से बहुत इन्वामेंट फ्रेंडली वो है और जहाँ तक मेरे प्लान का तैयक है तो इसमें हम ये हम ऑफर करेंगे लोअर क्लासेस को मिडिल क्लास को और न्यूली वेडेड कपल्स को और मिडिल एज प्रोफेशनल्स को कि वो अपने प्लाट्स पर हमारे हमसे मकान बनवाएं और हम उन्हें रैमडा टेक्नोलॉजी से मकान बना के देंगे हमारे की रिलेशनशिप जो हैं वो आ, हमारा एक्टिव फीडबैक होगा जिन लोगों को हमने बना के दिया उनसे हम स्टैंडर्डाइजेशन करते रहेंगे रेनोवेशन हम उन्हें मुफ्त बना के मुफ्त करके देंगे इसके अलावा हम हम उन्हें हमारा जो रेवेन्यू स्ट्रीम है उसमें यह है कि हम सबसे पहले तो लोगों को घर बना के देंगे उनके प्लाट्स के ऊपर और फिर हम इसकी कैपेसिटी डेवलपमेंट करेंगे कैपेसिटी डेवलपमेंट हम यूनिवर्सिटियों के साथ लिंकअप करेंगे और हम उन्हें उनके ज़रिए से हम वो करेंगे इसके अलावा हम आ, ये कर रखा है कि जो ही हम ये मुकम्मल करेंगे अगर मैं ये इनाम जीत जाता हूँ एनआईबी का तो उसके नतीजे में आ, उसके नतीजे में मैं मुझे लगता है कि मेरे पास इतने वसाइल आ सकेंगे कि मैं अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकूं और इस स्टार्टअप को ले के हम प्राइम मिनिस्टर का जो इनिशिएटिव है अ, मेरा हाउसिंग स्कीम नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम उसमें से हम 500 या 1000 मकानों के लिए अपनी बेड देंगे ताकि हम आ, और हम चूंकि हमारे मकान बहुत कम कीमत हैं कम लागत हैं तो हम कम लागत पे खेलेंगे और हम इस तरह से हम तकरीबन वही मकान जो फोर मिलियन में आ, अगर ए टी आर्ड पर बनता है तो हम वही वाला मकान जो है आ, हम उसे थ्री मिलियन में बना के आ, कस्टमर को दे सकेंगे तो ये हम हकूमत को ऑफर करेंगे तो ये हमारा एक प्लान है इसके अलावा एक और चीज़ जैसे मैं आपके सामने लाना चाहूँगा वो ये है कि हमने ये एक पूरा प्लान बना रखा है कि हम टू मिलियन से वन बेड प्लस वन लाउंज प्लस वन किचन प्लस वन वन वाश वाशरूम बाथरूम और फिर साथ में एक वाटर टैंक ये uh, जो है टू मिलियन से हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं मेरे साथ मेरी टीम पार्टनर में uh, मेरे भाई इमरान महमूद हैं एक uh, हमारे शौकर ठेकेदार हैं और मैं हूँ इसमें हमें लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ द थिंग दैट हमने एक 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 मशीन डिज़ाइन किया जो ऑटोमेटेड मशीन है और इस मशीन के ज़रिए हम इस मिक्सिंग के अमल को और दीवार बनाने के अमल को आ, आ, अगर मैं आ, अगर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है तो हम इस अमल को हम ऑटोमेटेड कर सकेंगे इसके लिए हमें मेक्रट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की हेल्प की ज़रूरत है इसके लिए हमें एक काफ़ी सरमाया चाहिए एटलीस्ट uh, हमें एम डेवलप करने के लिए टेन मिलियन रुपीज़ दरकार हैं आ, और आ, हम इस वीडियो की तवस्थ से हम सरमाकारों से दरख्वास्त करेंगे कि वो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें इन ये उनके लिए एक बहुत मुनाफा बख्श कारोबार होगा थैंक यू वेरी मच